हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने 9 दिन के व्रत रखे हैं, तो वही मैं गैस की कर रही हूँ सफाई, क्योंकि मैं अभी शाम का टाइम हो गया है तो मैं अपने लिए बनाऊंगी खाना, तो वही गैस की सफाई कर रही हूँ और इसको साफ करके फिर मैं अपने लिए कुछ बनने के लिए रखूँगी। तो आज मैंने पहनी है सीधे पल्ली की साड़ी, मतलब सीधे पल्ली की साड़ी पहनी है मैंने, और मैंने पहली बार मतलब ये सीधे पल्ली की साड़ी है जो मतलब इस टाइप से घर पर पहनी है, मैंने कभी नहीं पहनी है आज से पहले। हाँ, एक बार मैंने शादी में पहनी थी बस। और कैसी लग रही है मेरी ये इस टाइप से साड़ी, मतलब गुजरात में ऐसी ही पहनते हैं साड़ी, तो बस सीधे पल्ली की साड़ी में आज मैंने बनाया है ब्लॉग। और साड़ी तो आप लोगों की दिखी हुई है, लेकिन इस टाइप से मैंने आज पहली बार पहनी है। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी सीधे पल्ली की साड़ी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस टाइप की साड़ी है जो कैसी लग रही है। ये भी इंडियन कल्चर का मतलब हिस्सा है, जो अभी मतलब आजकल इस टाइप से कम पहनते हैं, लेकिन जो गांव में हैं मतलब अभी हमारी मम्मी वगैरह हैं इस टाइप की एज की लेडीज़ें जितनी भी हैं वो सब ऐसी ही साड़ी पहनती हैं। मेरी मम्मी मौसी वगैरह हैं जो मेरी बुआ, मुझे जहाँ तक याद है मेरी मम्मी की एज के जितने भी लोग हैं ना मेरे अपने घर परिवार में, तो वो सभी ऐसे ही साड़ी पहनते हैं। तो वही मैंने तो आज पहली बार पहनी है, और कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये भी इंडियन कल्चर हाउसवाइफ का हिस्सा है। तो अभी मैंने आलू रख दिए हैं अपने लिए, आलू उबालने के लिए रखूँगी, क्योंकि शाम के लिए मुझे कुछ खाना बनाना है। तो मैं अपने लिए साबूदाना मैंने भिगोए थे तो उसके चीले बनाऊंगी। और आज मैंने बहुत कपड़े धुले थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं जो वो बाहर गए थे तीन चार दिन के लिए, तो वो वापस आए हैं तो उनके भी कपड़े थे और बेड शीट वगैरह भी थी, मतलब बिछाने वाली और जो ओढ़ने में यूज़ करते हैं वो, तो सभी कपड़े आज काफ़ी कपड़े धुले थे, तो वो सभी कपड़े मुझे रखने हैं। तो मतलब अभी मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई नहीं है तो मुझे बिछानी है, तो बस क्योंकि कपड़े हैं जो वो मैंने तय लगा के रख दिए हैं और बेडशीट मैं बिछाऊंगी। और ये है, ये बच्चों का है, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सारी बुक वगैरह है जो बाहरी पड़ी हुई हैं, बस लास्ट है एग्ज़ाम, शनिवार को लास्ट है, ख़त्म होने वाले हैं। तो वही मैं उनकी टेबल है, सुबह जाते हैं तो ऐसे ही फैला जाते हैं, सुबह क्या अभी तो शाम का टाइम हो गया है, तो अभी बाहर खेलने गया है मेरा बेटा, तो बस पढ़ रहा था तो ऐसे ही सब फैला के चला गया। तो मैं बस इस पे बेड शीट लगाऊंगी। आज मैंने इस टाइप से साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ा काम करने में मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि पहली बार इस टाइप से पहनी है, पर दिखने में अच्छी लग रही है। और मेरी ना जब मैं इधर से ऐसे नीचे उतरी थी ना, तभी मेरी जो शोल्डर की पिन लगी हुई थी ना वो पिन खुल गई थी। तो वैसे इंडियन कल्चर है साड़ी, अच्छी लगती है कैसे भी पहन लो साड़ी तो अच्छी लगती है। तो आज मैंने गुजराती स्टाइल में पहनी है, मतलब सभी जगह पहनी जाती है इस टाइप से, हमारे इधर भी काफ़ी पहनती हैं जितनी भी मेरी मम्मी की टाइम की लेडीज़ें हैं ना जो अब हैं इस टाइप, वो सब ऐसे ही पहनती हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज मैंने सीधे पल्ली की साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है बताना ज़रूर कमेंट करके। मैंने मतलब ये दूसरी बार पहनी है, एक बार मैंने शादी में किसी की शादी में पहनी थी, अपनी बहन की शादी में ही पहनी थी, और उसके बाद मैंने आज पहनी है।
तो मैंने सोचा चलो आज सीधे पल्ले की साड़ी पहनकर, हाँ सीधे ही पल्ला कहते हैं ना इसे, हाँ सीधे ही पल्ला कहते हैं, तो इसमें वीडियो बनाती हूँ कैसी लगती है। तो बस आज, और अभी मेरा खाना बन रहा है, मेरा व्रत है और मुझे जुकाम हो रखा है, इसलिए मेरी आवाज़ आ रही है ऐसी। अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है, 2-3 दिन हो गए मुझे, तो अभी तो ठीक है थोड़ा, तो आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है। और बस अपने लिए खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरा है व्रत, और नवरात्रों का व्रत चल रहा है तो मेरा व्रत है। मैंने आलू रख दिए हैं उबलने के लिए, क्योंकि पहले मैं अपना खाना बनाऊँगी, बाद में इन लोगों का खाना बनेगा, तो इसलिए। तो अभी गैस वगैरह साफ़ करके आलू रख दिए हैं और मैं बनाऊँगी साबूदाना के चीले। तो चीले भी आज मैं पहली बार ही बना रही हूँ, मैंने पहले कभी चीले नहीं बनाए हैं, खिचड़ी और बड़े तो बनाए हैं, बड़े मैंने कल बनाए थे, तो चीले आज बनाऊँगी। तो बस यही बात करनी थी आप लोगों से, और कैसी लग रही है मेरी साड़ी। साड़ी तो आप लोगों की दिखी हुई है, पर मैंने आज इस टाइप से पहनी है, तो कैसी लग रही है, तो ये कमेंट करके बताना ज़रूर।